खेत के अंदर से आया था, 6 बजे खेत के अंदर से चला था। मैं आया तो अपने देखा तो इसके अंदर आग लग रही थी, आग लग रही थी, तो मैं इधर से चला तो गेट के पास आया, गेट मुरली साइड से बंद था, उसमें धकड़ धकड़ हो रहा था पूरा, पूरी लूक निकली हुई थी इसके अंदर, कि इसके अंदर पुजारी रहता है। तो ये चीज तो पुजारी को देखनी थी भाई, पुजारी छोड़ रखे है भाई, चौकीदार छोड़ रखे है। 10:30-11 बजे तक बारिश हो रही है, उसके बाद आग लगती है, तो ये तो या तो पुजारी को पता होना चाहिए मंदिर में कौन आया है। एक बार नहीं, दो बार ये घटना हो चुकी है, वो पहले भी जला चुके हैं, अब ये दोबारा 10-12 फुट का पीपल का पेड़ था, अब ये भी जला चुका है। एक पीपल को पेड़ को नहीं छेड़ रहे तो और किस पेड़ को छोड़ेंगे। ये घटना को अंजाम दिया है, प्रशासन से मांग करता हूँ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। रेवाड़ी जिले के ही गाँव जुड्डी में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घट रही है कि जिस पे आप विश्वास नहीं करेंगे। इतना बारिश का मौसम और उसके अंदर भी आग अपने आप तो नहीं लग सकती, लेकिन गांव वालों को अब भी पता नहीं कि आग लगा कौन रहा है। यहां आप देख सकते हैं पीपल का एक पेड़ है, और पीपल के पेड़ के अंदर पहले काफी समय से ये पेड़ रहा होगा जो कि सूख करके लट्ठा हो चुका होगा, लेकिन उसके साथ में 2 पेड़ और लगे हुए थे, एक को पहले जला दिया गया और एक को अब जला दिया गया। अब दूसरे जो पेड़ है उसको भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो गिरा हुआ है ये भी अब जल चुका है। और जो दूसरा अगर हम जिसकी बात करें, बड़ा जो पीपल का पेड़ कभी था यहाँ पे, अभी भी उसके जो अवशेष हैं वो आपके सामने खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ इस पीपल के पेड़ के कोयले बन चुके हैं पूरे के पूरे के। अब अगर बात की जाए भारत के अंदर, अगर हिंदू धर्म की बात की जाए, तो पीपल का जो पेड़ होता है उसको जलाया नहीं जाता है, या फिर जो मान्यताएं हैं वो अपने अपने तरीके से, लेकिन अगर उन मान्यताओं को भी मैं छोड़ दूं तो उसके बाद भी पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ माना जाता है जो कि दिन रात आपको ऑक्सीजन देता है, और वो पीपल का पेड़ इसीलिए बचाया जाता है ताकि ऑक्सीजन आपको मिलती रहे, या उसको पवित्र माना जाता है कि ऑक्सीजन आपको उससे बेहतरीन मिलती है। लेकिन अब इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, ये बात समझने वाली है, क्योंकि जब कोई पेड़ आपके लिए इतना अच्छा है तो उस पेड़ को बेवजह जला देना ये कहां तक सही है। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, और बकायदा जो पेड़ जीवित था उस पेड़ को भी यहां पे जला दिया गया है, और उसी पेड़ के जो अवशेष है वो फिलहाल आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे धुआं भी इतनी ज्यादा है कि मैं जब बोल रहा हूँ तो उस समय भी मुझे परेशानी हो रही है। तो अभी भी ये पेड़ एक तरीके से सिलग रहा है, अगर हम कह सकते हैं कि अभी भी दो धुआं के गुबार हैं वो इसके अंदर से आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। अब गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कैसे क्या ये आग लगी होगी, क्योंकि जहां पे ये आग लगी है ये कोई आम जगह नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाए, ये जगह यहाँ का जुड्डी गांव का श्री राम मंदिर है, और मंदिर के अंदर जो कि यहाँ का सबसे मुख्य और मेन मंदिर अगर मैं कहूँ तो वो मंदिर ये है। पूरा का पूरा जो मंदिर है वो आप देख सकते हैं, काफी जगह के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, और उधर ही दूसरी तरफ अगर हम कहें तो एक वट का जो पेड़ है वो भी यहाँ पे, बरगद का जो पेड़ है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और पूरा यहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और इस मंदिर के आसपास की जगह के अंदर ही हम यहाँ पे मौजूद हैं। मंदिर का जो आंगन है, परिसर है, उसी के अंदर मौजूद है, और वहीं पे ये पेड़ भी मौजूद था जिसको कि जला गया है, और उसी के साथ में जो पेड़ गिरा हुआ है जला हुआ उसको भी आप देख सकते हैं। और ये सभी लोग गांव के लोग हैं, और यहाँ इस मंदिर के अंदर पुजारी भी रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे इस मंदिर के अंदर आग लग गई है पेड़ के अंदर, और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे कैसे क्या हुआ है। सर आप बताएं, पहले तो आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी आप बताएं ये आग कैसे लगी और कब आपने देखा? मैं खेत के अंदर से आया था, 6 बजे खेत के अंदर से चला था। मैं आया तो अपने घर के समीप, मेरा घर नज़दीक ही है, मैंने देखा तो इसके अंदर आग लग रही थी, आग लग रही थी, तो मैं इधर से चला तो गेट के पास आया, गेट मुरली साइड से बंद था, परली साइड से गेट खुल रहा था। मैंने पुजारी को आवाज़ लगाई, पुजारी लेटरिंग में घुसा हुआ था, और पुजारी से बोला तो पुजारी वहाँ से निकल के आया, भाई इसको आज को बुझाओ, कैसे पानी की बंदोबस्त करो या बाल्टी ले आओ, इसको बुझा दो। जो कि इसके अंदर आर्या पीपल का पेड़ लगाया हुआ था वो भी जल चुका,
तो पुजारी नहीं आया, तो मेरे को एक भाई आया, क्या नाम है इसका, वासुदेव आया बाहर से परले अपने घर की तरफ से दूध लेने के लिए जा रहा था। मैंने इसको बोला भाई उस पिपड़ में आग लग रही है, तो इसने क्या नाम है वासुदेव ने अंदर आया तो इसने मोटर चलाई, नलकी चलाई और इसको बुझाने लगा और मैंने ही बुझवाई। कितनी आग लगी होगी, लगभग कितनी लगी? इसमें धकड़ धकड़ हो रहा था, पूरा पूरी लूक निकली हुई थी इसके अंदर। तो उसके बाद आप लोगों ने बुझाया, तो ये तो पीपल का पेड़ है, इससे क्या दुश्मनी हो सकती? जो कि इसके अंदर पुजारी भी रहता है, तो ये चीज तो पुजारी को देखनी थी भाई, पुजारी छोड़ रखा है भाई, चौकीदार छोड़ रखा है, लेकिन हमने पुजारी को बोला, पुजारी को आंच नहीं बुझाई। आज तो पुजारी नहीं बुझाई, लेकिन एक पीपल के पेड़ से किसी क्या दुश्मनी हो सकती है? ये क्या पता किसने आग लगाई भाई, क्या दुश्मनी है इसके अंदर, पहले भी लगी बताई? अपने आप तो लग नहीं सकती, आप तो नहीं लग सकती आज। और दो दिन से बारिश का भी समय, दो दिन बारिश का भी समय है, और इसके अंदर हरा पीपल, ये पूरा कम से कम ये पीपल का पेड़ इसके अंदर 10 फुट का पेड़ जिंदा था। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। वासु, आपका नाम बार बार आ रहा है, तो आप बताएं क्या स्थिति थी उस समय की? उस समय की स्थिति ये थी कि मैं घर से आया, आ रहा था दूध लेने के लिए, तो भैया मेरे को मिले, भैया पीपल में आग लगी हुई है, मैं इसको बुझाने के लिए आया, मोटर चलाई, पुजारी से हमें पूछा कि आग कब लगी है, पुजारी ने ये जवाब दिया कि हमें नहीं पता आग कब लगी है, ठीक है, तो इसलिए हम आए इसको बुझाया। आपके गाँव के ही? नहीं, ये बाहर का है, ठीक है, तो इसलिए हमें इसका आग बुझाई। आग बुझाने के बाद 2-3 बंदे आए, उन्होंने क्या किया, आग बुझा रहे और क्या कर रहे हैं, मैं किसने लगाई है ये? रात 10 बजे 10:30-11 बजे तक बारिश हो रही है, उसके बाद आग लगती है, तो ये तो या तो पुजारी को पता होना चाहिए भाई मंदिर में कौन आया है या कौन नहीं आया, कल ने कोई भी घटना हो सकती है मंदिर में। अगर मंदिर के भीतर अंदर आग लग रही है तो पुजारी का ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि भाई किसी को सूचना करे, भाई कमेटी बनी हुई है, कमेटी को सूचना करे। सूचना किसी को नहीं की है उसने, जो कमेटी वाले आते हैं वो हमारे ऊपर आते हैं, ये सूखा पड़ा है इसको जलने दे। इसके अंदर एक हरा पेड़ था पीपल का, ठीक है, वो पीपल का पेड़ था, एक ये घटना पहले भी हो चुकी है, ठीक है, एक बार नहीं दो बार ये घटना हो चुकी है, वो पहले भी जला चुके हैं, अब ये दोबारा 10-12 फुट का पीपल का पेड़ था, अब ये भी जला चुका है, तो इससे क्या है कि ये बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कल ने कोई भी कहीं भी किसी पे भी आग लगा सकते हैं, एक पीपल को पेड़ को नहीं छोड़ रहे तो और किस पेड़ को छोड़ेंगे? पीपल के पेड़ से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो अब वो ही जाने क्या दुश्मनी है कि भाई यहाँ पे उगाना नहीं चाहते या कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपराओं के तहत वो है, ठीक है, गांव का जो मंदिर है ये बहुत पुरानी परंपरा का वो है, तो इसलिए बार बार इसमें आग लगाई जा रही है। अब एकदम तो कोई भी चीज़ लगा लो, अब कहते हैं शनिवार को किसी ने दीवा चास दिया वैसे लग जाएगी, ले शनिवार को मैं दीवा चासता हूँ, ले अगर एक अगर दीवे में आग लग जाती है तो हमें बताओ, या तो तेल डाल के लगाया जाता है, अब ऐसा भी नहीं है कि भाई सिरसों का तेल होता है कि वो एकदम आग पकड़ जाएगा। लेकिन आपने अभी बताया, आपने कहा दिए से आग लगती होगी, लेकिन दिए से तो 2 दिन से बारिश हो रही है, तो बारिश के अंदर तो आग कैसे लग सकती है? दिया तो जलाया भी गया होगा, तो रात में बुझ गया होगा, रात को 12 बजे के बाद दिया अगर जलेगा भी तो भी, तो जो लकड़ी है वो तो पूरी बारिश से गीली रही होगी, तो गीली लकड़ी में आग लगेगी कैसे दिए? तो वो ही तो बात हम पता करना चाह रहे हैं ना भाई, आग लगी तो लगी कैसे? अब जिससे कहते हैं वो ही कहता है कि लगी होगी, सूखा सूखा पड़ा है, सूखा 2 दिन से बारिश हो रही, वो तो गिल्ला पड़ा है ना, पेड़ तो गिल्ला पड़ा है, वो सूखा थोड़ी है, तो 2 दिन से बारिश हो रही उस वजह से हम किसी को कहते हैं तो हमें क्या पता, हमें को अभी जब कमेटी बनी होगी, जब कमेटी फैसला नहीं लेगी, कोई वो नहीं करेगी, तो हम आगे क्या करेंगे ये बताओ, क्योंकि ये हमारे पुरखों का बोया हुआ था, अब ये सूख चुका है तो इसमें दूसरा पीपल जमा हुआ है, पहले भी एक बार फूक आग लगा चुके थे, अब दोबारा भी इसमें आग लगा रहे हैं, तो ये शनिवार को क्यों? अब जब भी मैंने आपको सूचना किया था, आपने कोई नहीं भाई लग जाती होगी, अब सूखा टाइम है, जब तो वो अब बारिश हो रही है, बारिश में लगातार बारिश होने के बावजूद भी आग लग रही है, तो किस बेस पे आग लग रही है? एक और भी शख्स हमारे साथ में मौजूद हैं, सर क्या हो रहा है सब कुछ, जो मंदिर के अंदर आग लग रही है, बार बार पीपल के अंदर आग लगा दी जाती है? पहले तो सर्वप्रथम मैन ये धर्मस्थल है, और जैसे ये आग लगाई गई है ये तो बहुत ही दुर्भाग्य घटना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सबके लिए है, समान रूप से है, और जिस किसी ने ये घटना को अंजाम दिया है प्रशासन से मांग करता हूँ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। मैं विकास शर्मा, युवा अध्यक्ष श्री राम वाहिनी संगठन से, और मैं खुद धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे हम ये जो घटना
जिस तरीके से की जा रही है हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी टीम के साथ सड़क पर धरने के लिए उतरूंगा। जय श्री राम। विकास शर्मा। यहाँ पे समाज के अंदर लगातार जो असामाजिक तत्व हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको ये अंजाम देते हैं। अब भला एक वृक्ष से, एक पेड़ से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है कि बारिश के अंदर भी उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल डाल करके या पेट्रोल वगैरह डाल करके आग लगाई जाए और उसको फूकने की कोशिश की जाए। जो पेड़ जो कि पूरा दिन आपको ऑक्सीजन प्रदान करता है, कि जीवन दाता के रूप में इसको देखा जाता है, और उसी वृक्ष को यहाँ पे बार बार, ना सिर्फ एक बार बल्कि बार बार यहाँ पे इसको आग लगाई जाती है। क्योंकि बता चुके हैं ये लोग कि पहले भी इस घटना को अंजाम दिया गया, तो बार बार इसी पेड़ के पीछे पड़ना तो ये कहाँ तक क्या उचित है क्या गलत है वो तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो समाज को सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम करती हैं, जोड़ने का कहीं भी काम नहीं करती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। बाकायदा यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास क्या ऐसी कोई घटनाएँ हो रही हैं जो समाज को तोड़ने का काम करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।